दोस्तों आज की वीडियो में आप गल करेंगे कि हैंडीकैप्ट पेंशन पंजाब किमें लागू करवानी है, इसका फॉर्म किमें अप्लाई करना है, तो कितों डाउनलोड करना है। सिंपल जहाँ प्रोसैस तुम्हें दसागा, जो जो प्रोसैस मैं अपने कंप्यूटर उपर कर रहा हूँ, वो सेम सेम प्रोसैस तुम अपने मोबाइल उपर भी कर सकते हो, तो इसका जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो थ्रू मैं तुम्हें दसागा कि तुम ऑफलाइन तो ऑनलाइन किमें अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। दोस्तों अगे चलने तो पहले जो सा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सा चैनल सबसक्राइब कर लो, तो वीडियो लाइक कर लो। ओके दोस्तों हूँ आप मेन गलते दोस्तों, जो सेम प्रोसीजर मैं अपने पीसी तो करा वो सेम प्रोसीजर तुम अपने क्रोम ब्राउजर भी जाके मोबाइल के उस करना है। तो सब तो पहले आप पंजाब डॉट जी ओ वी डॉट इन हैंडीकैप्ट पेंशन लिख के आप गूगल अपने क्रोम जाके सर्च कर देंगे, तो इस तरह का पेज अपने सामने ओपन हो जाएगा, जिस विच आप सब तो फर्स्ट पेज जो सब तो फर्स्ट लिंक अपन शो कर रहे हैं उस पर आप क्लिक करने हैं। क्लिक करने तो बाद पंजाब गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट वो अपने को ओपन हो जाती है, तो इस विच इन्होंने दसाया गया कि जे तुम अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हो तो इस बटन उपर क्लिक कर लेंगे आप। इस वीडियो मैं नैक्सट वीडियो भी तुम्हें दसागा कि तुम ऑनलाइन अप्लाई किमें कर सकते हो। अज आप करेंगे तुम इसका फॉर्म डाउनलोड करके तो उसको फिल करके अपने पटवारी जो एम सी जो अपने महल का सरपंच हों अपने पिंड का उसके सिग्नेचर करा के अपना सुविधा केंद्र में जमा करवा के आने का प्रोसीजर सारा तुम्हें इस वीडियो राही दसागा। तो दोस्तों हम आप पहला चेक कर लेने हाउ टू अप्लाई, जो आप जो तुम पढ़ना चाहो तो तुम पढ़ सकते हो। इस ऑनलाइन अप्लाई करने का तो ऑफलाइन अप्लाई करने का दोनों तरीके इन्होंने दसाया होंगे। इस तो बाद आप डाकूमेंट की गल कर लेने कि यह पेंशन मतलब कि लागू करने लिए कि डाकूमेंट की आपको जरूरत पैंती है, कि जरूरी सर्टिफिकेट होंगे। तो दोस्तों आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तो पहले आप उम्र के सबूत की स्कैन कॉपी चाहिए है, वह जो वोटर कार्ड होना चाहिए, जो वोटर सूची हो, 10वीं का सर्टिफिकेट, जो डेट ऑफ जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट होंगे जो होना चाहिए, तो यह मैंडेटरी है, जरूरी है। ओके दोस्तों, तो दूजी अपन चाहिए है अपने BPL राशन कार्ड की अपनी अपन फोटो कॉपी चाहिए है, ये ऑप्शनल है, इच्छुक है, जो थोड़े को है तो ला दौ, जो नहीं है तो रहन दौ। ओके इस तो बाद अपन स्वै घोषणा पत्र जो इस इन्हों की ऑफिशियल साइट उपर डाउनलोड करके आप अपने जो सिग्नेचर करके तो फोटो लगा के वो जरूरी है। ये हूँ आप मेन गलते हैं, तो हूँ आप चेक करते हैं फॉर्म आप डाउनलोड कितों कर सकते हैं। तो दोस्तों हूँ इस पेज से जो आप आ जाने आप नीचे चल के आप चेक करा, थले तीन लिंक दिए गए हैं, डाउनलोड फॉर्म सॉरी चार लिंक दिए गए, डाउनलोड फॉर्म्स सर्विस एंड स्कीम, तो आप फॉर्म से क्लिक करना। फॉर्म्स से क्लिक करने तो बाद जो फॉर्म आप भरना है वह फॉर्म अपने सामने ओपन हो जाएगा, तो इसको आप डाउनलोड करके मोबाइल में आप डाउनलोड कर लेंगे, तो आप किसी भी कंप्यूटर कैफे पर जावे तो इसका प्रिंट कढ़वा लेंगे, जो 5-10 रुपये से नॉर्मली निकल जाता है, तो थोड़ा काम सिर्फ 5-10 रुपये का बिच ही पूरा हो जाऊगा। तो थोड़ा मेरा नैटवर्क स्लो होने की वजह ना टाइम लग रहा है। तो दोस्तों जेडे जेडे आप पेंशन स्कीम की गल करी जाने तो 2 नंबर पर जो अपन पेंशन स्कीम की अपन इसका PDF फाइल द रूप में फॉर्म मिल जाएगा। देखो दोस्तों इस तरह का फॉर्म आपको ही भर के तो अपने सरपंच या MC या पटवारी तो आप सिग्नेचर करा के अपन सुविधा केंद्र भी जमा करा के आना है, तो इसकी डिटेल नॉर्मल डिटेल इस दसी गई है कि कुछ भरना है, जो आप नॉर्मल भर ही सकते हैं पढ़ के, आप जिमें नेम दसा गया उन्हें नेम भरना है, जिस लिए आप पेंशन अप्लाई कर रहे हैं, पता लिखना है, अपनी फोटो लिखनी है, सैल्फ अटैस्ट, इस तो बाद जो भर रहा उसका खुद भी लिख सकते हो, जो खुद भर रहा तो खुद लिख दो, जो कोई होर भर रहा तो उसका रिश्ता आप लिख सकते हैं। इस तो बाद नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, फादर, बाकी आप चेक करके नॉर्मल जी गल, बाकी फिर भी जो थोड़ा कोई समझ नहीं आता कुछ गल तो वीडियो में कमेंट करो, जे भरने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं थोड़ी हेल्प जरूर करूँगा, तो वीडियो में लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर लियो। ओके दोस्तों, थैंक यू।